पूजा तुझा माइक टेबल पे ले ले यार माइक सोनू हो जाएगा भाई रुक जा आज भी आपका बैग नहीं है संजय रुक जा भाई आप आगे देखो दूसरा देखिए दो FIR अगर दर्ज हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस FIR में क्या है कौन सी धाराएं कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं सब कहते हैं कि हमारा गर्व है सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है देश के लिए अच्छा है ये है इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं जब कह रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए हमारे साथ गलत हुआ है तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे आप बार बार यही कह रहे हैं मैंने आपसे कहा ना अगर FIR दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है कॉपी देनी चाहिए। मैं आपको पुलिस का स्टैंड बता रहा हूँ पुलिस का ये कहना है कि दो FIR उन्होंने इंडिविजुअली दर्ज किए हैं एक पॉस्को एक्ट क्योंकि एक माइनर लड़की है उसकी शिकायत पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में दूसरी जो है छेड़खानी के आरोप में जो कि सीनियर महिला पहलवानों ने और अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो होना चाहिए उसको लेकर देखिए सीधी सी बात है इतने जो सीरियस एलिगेशन है इस शख्स के बारे में तो पहले रिजाइन तो करें उनको पद से तो हटाएं जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसका मतलब क्या है अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर सारे प्लेयर्स के ऊपर इनके करियर को बर्बाद करने के लिए इनको तंग करने के लिए प्रेशराइज करने के लिए तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि FIR इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है इसका। पहले रिजाइन करें उसको हटाएं पद से उसका पावर तो लीजिए जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करें पर पहले वो तो हटाइए। पहलवानों का ये भी कहना है कि रूलिंग पार्टी के सिटिंग MP हैं और इस वजह से भी कार्रवाई में देरी हो रही है आप क्या कहते हैं। देखिए जो मैं सुन रही हूँ जो मुझे बताया गया है और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ क्योंकि ये लड़कियाँ जो हैं इतनी मेहनत करती हैं इतनी ट्रेनिंग के लिए इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं इतना करना पड़ता है एज इट इज अपनी फैमिलीज के लिए परिवार के लिए देश के लिए प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ और एक नहीं कह रही है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है तो मैं समझना चाहती हूँ एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते बुला तो लेते फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना घर चाय पिलाई तो बुलाइए बात करिए बच्चियां हैं बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं और मतलब और क्या कह रही ये कह रही है ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है कुछ चीजों पे उनका प्रभाव हो सकता है तो अब भगवान जाने मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है अपने परिवारों के लिए किया है प्रदेश के लिए किया है देश के लिए किया है और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका आप देख सकते हैं इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं भाई इनको बचाओ ना हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते। देखिए आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं बात टालने का काम होता है कमेटियां हम कमेटी बना रहे हैं आप कमेटी के साथ बात कर लो आपके और फिर बात खत्म यही चाहती है ना सरकार क्यों चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए चाहे कहीं पे भी देखिए जब महिला का शोषण होता है
तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता, FIR दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में कई लूपहोल हैं और राजनीति भी है। ये तो सब देखिए, जैसे ही महिला खड़ी होती है सारे लूपहोल निकल जाते हैं, तमाम ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं, उस महिला को भी के बारे में भी उल्टी सीधी चीजें कही जाती है, हमेशा आपने देखा है। लेकिन लेकिन देखिए ये संघर्ष करने वाली महिलाएं हैं, इन्होंने एज इट इज बहुत फेस किया हुआ है और ये फेस करेंगी, ये मैं समझ आपने तो बहुत पूछ लिया। ऑपरेशन फीस में टाइम्स ने दिखाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में 44 करोड़ उन्होंने खर्च किया सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग। देखिए, आपको पॉलिटिसाइज करना है ये सब, नहीं तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं, यही तो बात है। तो एक्शन तो तब होगा जब पब्लिक प्रेशर आएगा। फ्रैंकली आज ये स्थिति है कि पब्लिक इनके साथ है, पब्लिक प्रेशर डाले। मैं इस देश की हर एक महिला को, हर एक लड़की को कहना चाहती हूँ, ये लड़कियाँ अकेली खड़ी हैं यहाँ, आप इनके साथ खड़े हो और इनकी आवाज को आप बुलंद करो, क्योंकि जब तक आप खड़ी नहीं होंगी तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। इस मामले को निपटने की कोशिश होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो अगर मुझे पूरी दुनिया को कहना था, इन्होंने मुझसे कुछ बात की है इसलिए हम अलग बैठे थे, तो मैं यहाँ क्यों बताऊँ, वो इनकी निजी बातें हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे इन पर बहुत गर्व है कि ये आज इस चीज़ को लेकर खड़े हुए हैं, और इसमें कोई एक्चुअली कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो एक बहुत बड़ी शेम होगी।